गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आपको ग्रामर में नरेशन का पार्ट करवा रहे थे, तो एक बार पीछे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कल हमने आपको करवाया था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमने आपको लास्ट में लिखा था, इसका फॉर्मेशन भी लिख दिया था। एक बार फिर देख लें कि सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको लिखा हुआ है ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रहती है, ठीक है। और जब ये इस तरह का फॉर्मेशन हो तो उसको जब चेंज करेंगे तो क्या करना है हमें, सब्जेक्ट तो हमारा सेम रहेगा लेकिन वाज वर्ब जो दिया हुआ हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेड बीन लगाएंगे। वर्ब हमारी सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, बीच में यदि कोई प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन को भी हम बदलेंगे, और यदि नियर स्विंग वर्ड्स आ जाए उनको भी हम चेंज करते हैं। तो देखिए इसी संदर्भ में फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, कमल सेड कोमा पीरियड कोमा बिगिन रामू वाज ओपनिंग गुड मार्क्स। देखें अब ये जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हमें चेंज करना है। देखिए पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में कमल साइड दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था यदि साइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम साइड को चेंज नहीं करेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। देखें कमल साइड कोमा हटा किसमें बड़ा कंजंक्शन लगाएंगे दैट, उसके बाद रामू, ये मेरा पर्सनल नाम है इसलिए नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन नाम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ही रहेगा, ध्यान दें कि क्या होगा रामू। अब क्या आ रहा है हमारा वाज, देखो दिया हुआ है कि वाज ऑब्लिक वर्ब, क्या चेंज करेंगे इसमें हेड नेम, तो क्या लगाएंगे वाज को हटाएंगे और क्या लिखा हमने हेड नेम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी हुई है, उसके बाद यह हुआ है गुड मार्क्स। देखिए बेटा एक बार फिर कमल सैड कोमा हटा जिसमें हमने दैट लगाया, रामू नाम है चेंज नहीं किया, वाज था वाज को चेंज किया हेड नेम, उसके बाद ओपनिंग गुड मार्क्स। अगला सेंटेंस देखिए बेटा द पीएम सेड टू मी कोमा पीरियड कोमा बिगिन आई वाज वेटिंग फॉर यू। देखिए आंसर पीएम सेड टू मी, सेड टू आ गया, सेड टू चेंज करेंगे किसमें टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस देखिए द पीएम टोल्ड मी कोमा हटाएंगे, कोमा हटा तो क्या लगाया हमने दैट। अब देखिए आई आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर बता रहा हूं आपको बेटा जब भी नरेशन आप सोल्व करें तो ये फॉर्मूला आवश्यक है, सन बटा 120। देखिए एस ओ एन 1 2 3, देखिए ये एस सब्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट एन का मतलब होता है नो चेंज, फर्स्ट पर्सन होता है ये सेकंड पर्सन होता है ये थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। देखिए अब हमारा जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का होता है रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट में, इसे क्या है द पीएन, तो आई को चेंज करेंगे पीएन के अनुसार। देखिए ये क्या है नाम है इसे प्रोनाउन मानेंगे इसका ही, वैसे ये ही भी हो सकता है कोई लेडीज हो तो सी भी मान सकते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ ही का एच हम यहाँ स्मॉल लेटर से आरंभ करेंगे और हमने आई के साथ लिख दिया ही। फिर आ गया वाज, दिया हुआ है वाज चेंज होगा किसमें हैड बीन, ही हैड बीन वेटिंग सेम आएगा फोर, उसके बाद जो होगा यू, देखिए यू हमारा फिर क्या आ गया प्रणाम आ गया, पर्सन कौन सा है ये सेकंड पर्सन है, चेंज कैसे होगा ऊपर देखिए सेकंड पर्सन
ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। और ये ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सेट टू के बाद। यहाँ ध्यान दिया हुआ है ये हमारा सेट टू है, मी हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। देखिए अब यू को चेंज करेंगे, अब एक कंफ्यूज निकाल दें कि हमारा सही पर्सन है यू, योर और यू होता है, हमारा सेकंड पर्सन यू योर यू होता है। इसमें फर्स्ट सब्जेक्टिव केस भी यू दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू दिया हुआ है, इसलिए इसको इस तरीके से समझे कि यदि सब्जेक्ट के रूप में हमारा यू आया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यू आया हुआ हो तो हमारा फर्स्ट यू माना जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में कोई और प्रोनाउन दिया हुआ है या कोई नाउन दिया हुआ है और वाक्य के बीच में या वाक्य के लास्ट में सेंटेंस में लास्ट में यदि यू दिया हुआ है तो ये हमारा यू ऑब्जेक्टिव केस वाला यू होगा। इसलिए हम इस यू को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सेंटेंस में मी दिया हुआ है। अब मी देखो ये मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई माई मी क्या है, ये आई माई और मी। अब देखिए इसमें क्या है, यू योर यू। अब इस यू को चेंज करेंगे तो ये कौन सा है, थर्ड है। अब ये भी कौन सा है, थर्ड है मी। इसलिए क्या हो जाएगा, सेम का सेम क्या हो जाएगा, मी। और भूले स्टॉप। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ए मैन सेड कोमा इन्होंने कोमा बिगिन द लेबर्स वर रिपेयरिंग द हाउस यस्टरडे। देखें ए मैन सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेम लिखा जाएगा ए मैन सेड, फिर कोमा हटा तो उसमें क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाया है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम बीच में कोई कंजंक्शन लगाते हैं, दैट लगाया है। देखें अब क्या दिया हुआ है, द लेबर्स, द में जो टी दिया हुआ है इसको स्मॉल लेटर से आरंभ करेंगे और क्या हो जाएगा, द फिर यहाँ आ गया क्योंकि वर इसलिए आया, यहाँ ये प्लूरल दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है इसलिए वर दिया हुआ है, वर को चेंज इसमें करेंगे, दिया हुआ है ऑलरेडी हेड के लिए चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हेड। उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग। देखिए बेटा उसके बाद क्या हो गया, द हाउस यस्टरडे। देखो यस्टरडे जो वर्ड है इस यस्टरडे को हम बदलेंगे द प्रीवियस डे में, इसे बदलेंगे द प्रीवियस डे में, पी आर ई वी आई ओ यू एस प्रीवियस डे। क्या हो गया, ए मैन सेड, सेम का सेम लिखा, दोनों हटा दिया, उसमें क्या लगाया, डेट है। द लेबर्स सेम लिख दिया, वर्ब को हमने चेंज किया हेड दिन में, उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आई रिपेयरिंग द हाउस और यस्टरडे को हमने चेंज कर दिया द प्रीवियस डे, फुले स्टॉप। इसे आगे देखें बेटा, और देखें बेटा हिंदी मीडियम्स के जो भी बच्चे हैं ये सभी अपनी नोटबुक तैयार रखें और जो भी मैं आपको यहाँ ग्रामर में काम करवा रहा हूँ इसे अपनी कॉपी में अवश्य नोट करते रहें, ठीक है बेटा। आगे देखें इसे नेक्स्ट एग्जांपल में और करवाऊंगा, अभी देखते रहिए बेटा, राइटिंग साफ हो और सुंदर अक्षरों में साफ साफ राइटिंग अपनी कॉपी में उतारते रहें। देखिए अगला एग्जाम्पल है, द मॉनिटर सेड टू द टीचर, कोमा इनवर्ट कोमा बिगिन, द स्टूडेंट्स वेस्टिंग
their family. Full stop, comma, close. देखिए बेटा इसका आंसर द मॉनिटर बेटा सेट टू चेंज करेंगे किसमें टोल्ड में द मॉनिटर टोल्ड द टीचर इतना हो गया. उसके बाद जो कोमाज है उनको हटाएंगे और कोमा हटाते समय क्या लगाएंगे डैश. कोमा हटाते समय ये कंजक्शन अथवा लिंकर रहते हैं डैश लगाया. अब डैश के बाद देखेंगे द स्टूडेंट्स द मिट्टी बड़ा है लेकिन जब इसकी इंडेक्सिंग बनाएंगे मिट्टी छोटा लिखेंगे द स्टूडेंट्स. वर्ग बड़ा चेंज किया हमने हेड बीन में द स्टूडेंट्स had been wasting their ये हमारा फिर प्रोनाउन आ गया लेकिन कौन सा प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन है ध्यान दे थर्ड पर्सन दिया हुआ है नो चेंज इसलिए सेंटेंस में कहीं भी यदि थर्ड पर्सन आ जाता है तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे उसे चेंज नहीं तो ये देर का देर आएगा इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे उल्टा स्टॉप. इसे आगे देखे बेटा डॉक्टर सेड टू अस कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन Indian woman were taking part in a कोरोना महामारी में भाग ले रहे थे. देखें आंसर क्या होगा बेटा डॉक्टर सेट टू को चेंज किया हमने टोल में और ऑब्जेक्ट हमारा अस है कोमा हटा था उसने क्या लगाया दैट उसके बाद इंडियन वुमेन आज बढ़ाएगा वर्क को चेंज किया हमने हेड बीन में टेकिंग पार्ट इन कोरोना एपिडेमिक. फिर एक बार देखिए डॉक्टर सेड टू अस Indian women were taking part in corona epidemic. Stop. देखिए डॉक्टर सेट को चेंज किया टोल्ड में ऑब्जेक्ट अस लगाया कोमा हटा उसमें दैट लगाया इंडियन वुमेन हमने सेम लिखा चेंज नहीं हो गए वर्ब हमने चेंज किया है बीन में टेकिंग पार्ट इन कोरोना एपिडेमिक. ये बेटा आपका एग्जाम्पल सोल्व हुआ. एक और देखें इससे आगे अगला लिखे बेटा द टीचर सेड टू द बॉय द टीचर सेड टू द बॉय कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन यू आर नोट असेंड ऑफ योर बिहेव
द टीचर सेड टू द बॉय कोमा इन कोमा बिगिन यू वर नॉट असाइन ऑफ योर बिहेवियर। देखें फुल स्टॉप चेंज करेंगे कैसे आएगा, सेड टू चेंज करेंगे टोल्ड में तो क्या लिखेंगे, द टीचर टोल्ड द बॉय कोमा आता तो उसमें उन्होंने क्या लगाएंगे दैट, हटा किसने दैट लगाया, उसके बाद बेटा हमारा यू आ गया, देखो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, सेकंड हमारा पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे अंतर चेंज होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां होता है सेड टू के बाद। देखिए यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है द बॉय सिंगुलर है, इसे क्या मानेंगे प्रोनाउन में ही मानेंगे, इसके स्थान पर ही हो जाएगा। वर्ब चेंज किया हमने हैड बीन में, नोट का नोट लगाया हमने असाइन, आगे लिखेंगे ऑफ योर, फिर बेटा हमारा सेकंड पर्सन आ गया, ये पजेसिव केस है, किसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है था बॉय दिया हुआ है, इसे हमने प्रोनाउन में क्या माना ही माना, ये हमारा सब्जेक्टिव है लेकिन ये हमारा प्योर ऑब्जेक्टिव है, जब ऑब्जेक्टिव प्योर दिया हुआ है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव लेंगे क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, और वो हिज है फुल स्टॉप। ये बेटा आपका अगला एग्जांपल हुआ, तो देखे ये जो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो चेंज किया है हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ये आपका पूरा हुआ, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और ध्यान दें कि हमने पास्ट परफेक्ट का नहीं बनवाया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनवाया, पास्ट टेंस में सिर्फ दो ही टेंस बदले जाते हैं, पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदला जाता है और पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में बदला जाता है। तो बेटा यहाँ आपका पास्ट टेंस समाप्त हुआ, हम अगली वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताएंगे और फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल करवाएंगे, इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में बेटा नोट करें और इसको लर्न करें। धन्यवाद।